बीकॉम पार्ट थर्ड ये पेपर सेकंड बिजनेस वर्किंग और इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हाथ समतान पूंजी की लागत समतान पूंजी के जो धारक होते हैं वो व्यवसाय के स्वामी होते हैं और इसलिए सबसे बाद में इनको जो भी लाभांश या आय ऊपर होता है वो उनका अधिकार होता है। यहाँ हम देखते हैं कि समतान पूंजी के लिए अलग अलग प्रकार से और इसकी लागत का अध्ययन किया गया है। पहले जो विधि है वो होती है लाभांश प्राप्त विधि। लाभांश प्राप्त डिविडेंड यील्ड मेथड है डिविडेंड। तो हम डिविडेंड से इसका पूंजी की लागत की जो गणना करते हैं और इसको हम फॉर्मूले के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो वो आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो मैंने आपको बताया सी का मतलब कॉस्ट और ई का मतलब इक्विटी। कई बुक्स में इसको के भी दिया है, उन्होंने थोड़ा डिफर किया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए ही दिया। फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिविडेंड यील्ड मेथड है, तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस गुणा दो। ये फॉर्मूला सी का मतलब सी ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी डीपीएस है डिविडेंड पर शेयर एमपी मार्केट प्राइस ये इसका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट मेथड इसकी है, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए 10 रुपए मूल्य का एक शेयर है और कंपनी ने 1 लाख संतान जारी कर देते हैं। बाजार मूल्य जो है मार्केट प्राइस वो है 30 रुपए और लाभांश जो दिया जाता है वो है 3 रुपए। अब आप इसको सोल्व करें, हम चाहे 1 लाख की निकालें चाहे 1 शेयर की निकालें अंतर कुछ नहीं आता है। डिविडेंड 1 शेयर प्रति मार्केट प्राइस 20 गुणा 100 फिर आप कहिए 10% है वो इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम समतान पूंजी की लागत है वो निकालते हैं और वो कौन सी स्थिति है जब लाभांश प्राप्ति मिली है उसका एक फॉर्मूला आपको बता दिया DPS अपॉन एमपी गुणा 100 और ये आपका फॉर्मूला। सेकेंड जो क्वेश्चन इसमें है वो दी है आय प्राप्ति। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब निकालते हैं उसकी सेकेंड क्वेश्चन जो होती है वो है आय प्राप्ति विधि। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है अर्निंग आर, तो सी या के इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपी गुणा 100 अर्निंग पर से
अर्निंग का मतलब होता है कि जितने भी लाभ होते हैं कंपनी के, उन लाभों में नंबरों के प्रति शेयर का भाग दे दिया जाता है, और तो उसके आधार पर हम एक अंश को कितना आय का भाग मिला है इसके आधार पर हम अर्निंग निकाल लेते हैं। और एमपी होता है मार्केट प्राइस, क्वेश्चन पे दी हुई हो सकती है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, उसमें 30 रुपये मार्केट प्राइस थी, दी हुई होती है तो वो ले लेते हैं, नहीं दी हुई होती है तो हमें मार्केट प्राइस निकालनी होती है। उसमें हम इक्विटी कैपिटल और प्लस जितने भी ये रिजर्व वगैरह होते हैं वो जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग करके मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। आगे जो उदाहरण आएंगे उसमें हम आपको उसकी गणना हो बताता हूँ। या आय प्राप्ति की दिक्कत जब हम उदाहरण देखें तो एक उदाहरण दिया है 10 रुपये दो लाख ये इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू कर रखे हैं, करके पश्चात पूर्वाधिकार अंश लाभांश के पश्चात 6 लाख रुपए का लाभ कमाया है। यहाँ क्या है, अर्निंग कितनी है, अर्निंग सेट 6 लाख। यहाँ आपको दिया है पूर्वाधिकार अंशधारियों को डिविडेंड चुकाने के बाद में ये बताया, जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज दिया जाता है, डिबेंचर इश्यू किए रखे कर रखे तो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद में जो बचा लाभ का भाग वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटा जाता है, फिर जो बचे हुए भाग होते हैं उन पर जो है और कोई कंडीशन नहीं हो तो उन पर जो अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। यहाँ ये दे दिया इस क्वेश्चन में कि ये अर्निंग है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद है। तो देखिए कि कंपनी ने जो शेयर इशू कर रखे हैं वो है 2 लाख और लाभ हुआ 6 लाख, तो हम अगर अर्निंग पर शेयर निकालना तो पैसे निकलेगी 6 लाख और इसमें बात दे दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपका कितना आ गया 3 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दी हुई है और वो है कि क्वेश्चन में दी हुई है 4.25, फॉर्मूले में रखने आपका अर्निंग पर शेयर आया 3/25 गुणा 100 और उस तरह से 1/25 आपका आंसर आ गया। थर्ड स्थिति जो होती है वो आपकी है कि अगर मान लीजिए डिविडेंड के साथ साथ कोई ग्रोथ रेट भी क्वेश्चन में दी गई हो, क्योंकि लाभांश है वो उनमें कोई बढ़ने घटने इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है उसको ग्रोथ रेट की संज्ञा दी गई है। तो तीसरी स्थिति जो होती है वो होती है डिविडेंड ये और प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड। डिविडेंड की और डिविडेंड ग्रोथ मेथड, लाभांश प्राप्ति और लाभांश वृद्धि मेथड, लाभांश प्राप्ति एवं लाभांश वृद्धि। तो इस तरह से डिविडेंड यील्ड प्लस डिविडेंड ग्रोथ मेथड सीई या एई, और फॉर्मूला क्या हो गया, क्योंकि डिविडेंड यील्ड है तो पहले तो हमने ले लिया डीपीएस अपॉन एनपी गुणा 100 और इसमें फिर जो भी ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दी हुई है उस ग्रोथ रेट को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपके ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी यार जो है इसकी लाभांश प्राप्ति विधि लाभांश में वृद्धि विधि से आती है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि बाजार के मार्केट प्राइस जो दी है वो डिविडेंड के 50 रुपये है,
और लाभांश जो है डिविडेंड डीपीएस जो है वो है 4 रुपये, और आपका मार्केट प्राइस यदि 4 रुपये, ग्रोथ रेट जो भी है वो है 5%। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका क्या है डीपीएस 4, मार्केट प्राइस 50 × 100 + 5, हमने कितने का था 2, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8, 8 + 5, और इस तरह से आपका आंसर आया 13%। अब चूंकि देखिए कि तीन विधि आपको बता दी, फर्स्ट विधि थी ग्रोथ लाभांश वृद्धि लाभांश विधि, दूसरी थी आय प्राप्ति विधि, और तीसरे का लाभांश प्राप्ति एवं लाभांश वृद्धि दर विधि। ये तो तीनों चीज हम क्वेश्चन में पुराने जो इक्विटी शेयर्स हैं उनके आधार ये तीन जो पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जब क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि नई कंपनी है या नए शेयर से इशू करने हैं, इक्विटी शेयर नए इशू किए जाए, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूले होते हैं, वहां हमारा चेंज क्या होगा, मार्केट प्राइस क्योंकि नहीं होगी, जब शेयर्स नए हैं मार्केट प्राइस ऊपर नहीं होती है, जब पुराने शेयर्स जारी कर रखे हों और पुराने शेयर्स में जब हम ये देख लेते हैं कि उनका बाजार में क्या कीमत चल रही है, या उनकी जो पैसा जनरल रिजर्व वगैरह में रोक रखा है, तो उनको हम इक्विटी शेयर इक्विटी कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो अब इस चैप्टर में और कैपिटल बजटिंग के जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं उसकी जो नए रिजर्व हो तो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वो आपको, आपके पास तीनों फॉर्मूले हैं। जब न्यू इश्यू इक्विटी और ऐसी स्थिति में जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली जाएगी, तो फर्स्ट विधि थी लाभांश प्राप्ति विधि, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो नए निगमन है आपका क्या है सीई और एई डीपीएस, और यहाँ क्या हो रहा है मार्केट प्राइस की, यहाँ हो जाएगा एनपी नेट प्रॉफिट होना चाहिए। सेकेंड मेथड आय प्राप्ति विधि, आय प्राप्ति विधि में सीडी और टेल अधिक परसेंट ईपीएस नेट प्रॉफिट गुणात्मक। थर्ड मेथड थी आपकी लाभांश में वृद्धि विधि, लाभांश प्राप्ति एवं वृद्धि दर विधि, और इसका फॉर्मूला सी और के इक्वल टू डीपीएस अपॉन एनपी गुणा 2 +, और इस तरह से ये आपके 4 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं। तीनों फॉर्मूलों में हमने यहाँ ट्रेन क्या किया है कि जब पहले से थे तो आप मार्केट प्राइस ही लगती थी, और जब नए इशू है तो नए प्रोसीड हम बिना देंगे, कोई खर्चा होता है वो खर्चों को घटाने के बाद की गणना की जाती है। तो इस तरह से जो चौथी विधि है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। यहाँ क्या है कि बाजार में मार्केट प्राइस 135 और निर्गमन वे जो है वो दिए हैं 10 रुपये, वृद्धि जो दर है वो दे दिया आपका
2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। इसमें दिया है कि किस तरह से लिखने पर ये दिया गया था 3.3, 3.6, 3.9 और 4.3। यहाँ इस क्वेश्चन में जब ये दे दिया निर्गमन वेरिएंट के प्राइस कितनी और या अगर इशू किए गए हैं शेयर तो उस समय मार्केट में इसको 135 रुपए पर रखा गया था। हम इस क्वेश्चन में क्योंकि आपको ग्रोथ रेट ने दी गई है और ये दिया है कंपनी अगले 5 वर्ष प्रति अंश लाभांश दिए जाने की संभावना है, जो डिविडेंड दिया जाएगा वो अगले 5 वर्ष 5 रुपए प्रति अंश दिया जाएगा। ये कहा गया है क्वेश्चन में नए निगमित संतानों की लागत तो निकालना क्या है, न्यू इश्यू इसका क्या आपको करना है। इस क्वेश्चन में देखिए कि दो स्थितियां आपके सामने हैं कि पहले हम देखेंगे ग्रोथ रेट क्वेश्चन में नहीं दी गई तो हमें ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, सामान्य जब क्वेश्चन में दी जाती है नहीं दी गई हो तो हम ये करते हैं कि सेकेंड में से फर्स्ट ईयर की जो ग्रोथ रेट है उसको लेस कर देते हैं, फिर सेकेंड उसमें भाग दे देते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। हम ग्रोथ रेट निकालना है, सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालना है तो यहाँ देखिए 2006 में 3.3, 2005 में 3/3 और गुणा 100 से। देखिए आप 3.3 में से 3 को घटाए तो 0.3, फिर 3/3 गुणा 100, देखो दशमलव पर घटाए तो 30 हो गया, भाग दिया तो ये आपका 10%। आप दूसरी भी देख सकते हो 3.6 में से 3.3 में डाले और फिर भाग दे देते हैं आप इसका 3.3 का गुणा 100 से तो वो आपका 10% है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं और आप इसको सरल कर सकते हैं। तो हमने ग्रोथ रेट किस फॉर्मूले से निकाल ली, अब आप फॉर्मूला है उसके आधार पर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या केई डीपीएस अपॉन एनपी गुणा 100 और प्लस बी। देखिए यहाँ एनपी कैसे निकाला, यहाँ मार्केट प्राइस भी दिया क्वेश्चन में वो है आपकी 135, खर्चा कितना हो गया एक्सपेंशन इशू में ये 10 रुपये हो गए तो नेट प्रोसीड आपकी आ गई 125। आप रख दीजिए 10/125 गुणा 100 और प्लस 10 और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो यहाँ डिविडेंड क्या है 5 5 तो 5 से घटा हमने तो ये आ गया आपका 25 और 25 से 4, 4 10 10 एक छोटा प्रश्न है। ये एक क्वेश्चन था, एक और इसका उदाहरण दे रखा है, फिर आपको क्वेश्चन से वो अगले जो चरण होगा उसमें सारे क्वेश्चन से वो करवा दिए जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, नकारात्मक प्रतिबंध की क्षमता बाजार मूल्य है 20 रुपए, मार्केट प्राइस और इसकी है 30 रुपए, कंपनी 1.50 रुपए प्रति अंश लाभांश उठाती है, डिविडेंड है 1.5, विनियोग दर 6% वार्षिक दर, ग्रोथ रेट जो है वो 6% है रहती है, कंपनी की संतान पूंजी की लागत निकालनी, संतान पूंजी सी डीपीएस अपॉन एमपी
अब यहाँ आपको क्वेश्चन में पहला दिया है कुछ नहीं किया गया तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में यहाँ क्योंकि नए नहीं है तो इस तरह से तो आपका फर्स्ट का आंसर जो आया है वो आपका आ गया यहाँ 1.5 से देखें तो 0 हटाते आ जाएगी 20 और ये 5 प्लस 7 11% फर्स्ट का आपका आंसर है 11%। इसी का सेकंड पॉइंट है यदि प्रत्याशित ग्रोथ रेट 7% वार्षिक हो तो प्रति अंश निर्देशित बाजार मूल्य। अब देखिए यहाँ बाजार मूल्य निकालना है हम फॉर्मूला ये रखते हैं आपका क्या है फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एनपी गुणा 100 और प्लस ग्रोथ है ये है जो लोग क्वेश्चन में दी है उस संख्या को रखते हैं यहाँ से निकालने के लिए मार्केट प्राइस तो सीई या डी ये इनमें से कोई एक चीज दी हुई होती है यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि प्रत्याशित वृद्धि दर है वो 7% है देखिए फॉर्मूला 10 एमपी निकालनी है 100 और प्लस 7% है तो 0.07% है इसलिए रख दिया। अब देखिए आप इसको सरल करेंगे तो आपको सरल करना है कि हमने भी निकाला था सी ये क्या है 11 यहाँ पे 11 अब आप इसको सोल्व करेंगे सोल्व करने का मतलब होता है कि ये संख्या है इस क्वेश्चन की तो इसको हमने यहाँ देखे परसेंटेज है ये 11% है तो 100 को हटा देते हैं क्योंकि ये भी परसेंटेज में है और ये फॉर्मूला आपका रह जाता है देखिए 11 यहाँ आपका दिया हुआ क्वेश्चन में ये 1.5 ये स्थिति आपकी है। अब इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने के लिए आपका क्या हो गया ये आपका 1.5 ये हम इसको टेन कर दिया जब पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर का मतलब क्या हो गया इसको तो 1.5 एमपी और बराबर 11-0.07 ये स्थिति आपकी ये परसेंटेज में है तो ये पॉइंट लेवल होंगे। अब इसको आप सरल करेंगे 1.5 एमपी इक्वल टू क्या हुआ 0.04। अब आप इसको सरल करेंगे मार्केट प्राइस देखो ये है स्थिति आपकी इसको डिवाइड करने तो 1.5 और इसमें दे देते हैं 0.4 ये किसके बराबर है मार्केट प्राइस तो आपके जो कीमत आई वो आपके तो इस तरह से जब क्वेश्चन में कोई भी एक फिगर निकालनी हो और बाकी सारी सूचनाएं दे रखी हो तो हम उसकी गणना इस तरह करते हैं इस क्वेश्चन में डीपीएस जो दिया है वो 1.5 है क्योंकि इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मार्केट प्राइस निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने यहाँ निकाली थी 11% है तो हम इस फॉर्मूले में संख्याएं रख देते हैं संख्याएं रखी और रख करके जब इनका पक्षांतर करते हैं गणित की विधि से तो आपका जो मार्केट प्राइस है वो आई 37.50। इसका एक थर्ड पॉइंट और है यदि प्रति अंश निर्देशित बाजार मूल्य यदि कंपनी की क्षमता पूंजी की लागत 9% प्रत्याशित वृद्धि दर 6% लाभांश 1.5 रुपये प्रति अंश हो। अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए सेम क्या है पुराना पत्थर आपका जो है वो ये ठीक है अब इनमें चेंज क्या क्या है देखिए प्रत्याशित वृद्धि दर जो ग्रोथ रेट है ये 6% है
जो है पहले से। फिर पूंजी की जो लागत है, यहाँ 11% है, इस क्वेश्चन में भी आपको बाजार मूल्य कंपनी का बाजार मूल्य यदि क्या है तो बाजार मूल्य निकालना तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। विधि जो आपका क्वेश्चन है वो इस पर दोबारा करते हैं। सी डीपीएस अपॉन एमपी गुणा ग्रोथ रेट आपको इसमें 10.6% वहां क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में वहां 6 के लिए 7 है। यहाँ देखिए दोस्तों इक्विटी, यहाँ देखिए आपको 9% 9% है, इसलिए 0.09 करते हैं। डीपीएस आपका 1.5, मार्केट प्राइस याद करनी है और आपका ये है 0.06। ये क्वेश्चन की स्थिति है। आप देखिए कोई पक्षांतर करने के लिए अंकगणित की संख्या है तो आप एंटर ले जाते हैं, या आपका ज्ञान पॉइंट 1.5 upon mv = 0.05 = 0.06 तो आपने भी देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो मैंने आपको पहले फर्स्ट बताया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डेट, सेकंड बताया था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, थर्ड जो था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसको हम चार भाग में बांटे तो पहला था ऋण की लागत कॉस्ट ऑफ डेट, सेकंड था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ऋण पत्र की लागत, सेकंड थी थर्ड की कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और फोर्थ था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए कि बैलेंस शीट में एक भाग और होता है जो मैंने आपको बैलेंस शीट शुरू में बताई थी जब हमने इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे, उस समय बताया था कि बैलेंस शीट में एक तो क्या उसकी लाइबिलिटी साइड में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, चौथा हो सकता है लोन और एक होता है इक्विटी शेयर क्या का एक पार्ट होता है वो होता है रिटेन एरनिंग। रिटेन एरनिंग